मैं एस्ट्रो गुलशन गुलाटी यूट्यूब चैनल शिव कृपा के माध्यम से, जो कि हमारे प्यारे गुरु आदरणीय श्री रोहित कुमार जी की दया से शुरू किया गया है, जिसमें प्रतिदिन एक निशुल्क उपाय उन जातकों के लिए जो जातक किसी भी ग्रह दशा की वजह से अपने जीवन में अस्थिरता, अशांति, आर्थिक तंगी, शारीरिक कष्टों का अनुभव कर रहे हैं, निशुल्क बताया जाता है। और गुरु जी की दया और शिव कृपा से यह उपाय शत प्रतिशत फलीभूत होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जातक की जन्म पत्रिका का नवम भाव, जिसे भाग्य का भाव कहा जाता है, वास्तव में यह भाव हमारे बड़े बुजुर्गों और पितरों के आशीर्वाद का भी होता है। अगर इस भाव में कोई भी क्रूर ग्रह या पापक ग्रह स्वयं विराजमान हो या इस भाव को दृष्ट कर रहा हो, तो हमें पता चलता है कि हमारे बड़े बुजुर्गों से, पितरों से जाने अनजाने कोई ऐसा अनैतिक कार्य हुआ है जिसका बोझ आज हमारी जन्म पत्रिका पर, हमारे जीवन पर पड़ रहा है। ऐसे में हमें क्या करना है? विनती है, कृपया कलमबद्ध कीजिए। हमें किसी भी अमावस्या के दिन सनातन की पावन नगरी हरिद्वार जाना है। वहाँ गंगा मैया जी के चरणों में हर की पौड़ी पर जाकर गंगा माँ के पावन जल में स्नान करते हुए गंगा मैया से विनम्र निवेदन करना है। वो माँ है, माँ की भावना से उस माँ से विनती करनी है कि हे माँ, मेरे बड़े बुजुर्गों से, पितरों से जाने अनजाने कोई भी अनैतिक कार्य हुआ है जिसका बोझ आज मेरी जन्म पत्रिका पे और मेरे जीवन में मुझे महसूस हो रहा है और मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ, कृपया करें गंगा मैया, बड़े बुजुर्गों के द्वारा जाने अनजाने हुई गलतियों को क्षमा करते हुए आप अपने इस बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और मुझे इस भार से मुक्त करें। गंगा मैया है, माँ है, अवश्य दया करेगी और आपका जीवन फिर से खुशियों भरा, सुखमय भरा होगा। स्नान करने के बाद, माँ का आशीर्वाद लेने के बाद, जितनी अपनी हैसियत हो उतने जरूरतमंद जीवों को आपने भोजन करवाना है। गंगा मैया अवश्य कृपा करेंगे, आप अपनी झोली खुशियों से भरकर घर लौटेंगे। और मेरी आप सबसे विनती है कि हमें हर उस जीव को, जिस जातक को इस उपाय की अति आवश्यकता है, निस्वार्थ बिना लालच के वसाए बताना है, ताकि ऐसा करने से हम पर भी गुरु जी की दया और शिव कृपा बनी रहे। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।